हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गुरु। आज हम वित्तीय संस्थान से कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे उसको लेकर के आए हैं। मैंने वित्तीय संस्थान के बारे में डिटेल में बता दिया है, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव बच गया है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो ऑप्शन के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। भारत का केंद्रीय बैंक है भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो स्थापना हुआ था मित्र, 1934 ईस्वी में अधिनियम आया था उसके तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और बाद में चल करके 1 जनवरी 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण के मतलब होता है सरकार के अधीन आ जाना, जो प्राइवेट किसी निजी व्यक्तियों के पास था वह सरकार के अधीन आ जाना, माने सरकार का नियंत्रण हो जाए उस चीज़ पर, उसको हम नेशनलाइज कहते हैं, राष्ट्रीयकरण कहते हैं मित्रों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर ही किया गया था मित्र, यंग हिल्टन सिफारिश के समिति पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। और इसकी जो स्थापना किया गया, इसमें जो सदस्य की संख्या है, कुल टोटल जो गवर्नर होते हैं 5 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं जो मेन, जो आप लोग याद रखते हैं कि इस वक्त चेंज हुआ, इस वक्त चेंज हुआ। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, ये बाकी तो जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो वाणिज्यिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें हम लोग खाता खुलवाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खाता नहीं खुलवाई जा सकती है, ठीक है, क्योंकि यह बैंकों का बैंक है। दूसरा क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966, 1969, 1980, 1975 ईस्वी में। तो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में, ठीक है मित्रों। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस वक्त किया गया था 1969 ईस्वी में। कुछ समस्या था इसकी वजह से, हालांकि अगर समस्या जानना चाहते तो जान लीजिए। उस वक्त छोटे मोटे जो बैंक था, मैंने साहूकार कहिए, जो पैसा जिससे लेते थे कर्ज जमा करते थे उनके पास, तो वैसे वैसे उस वक्त 300 लोग भाग गए थे, मैंने बैंक छोटा मोटा भाग गया था, इसकी वजह से इंदिरा गांधी को नेशनलाइज करना पड़ा, मतलब कि राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। और क्योंकि इस 70% जो 14 बैंक है जिसका 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया, 70% जो मनी था, रुपया था, इन्हीं के पास था, तो नेशनलाइज कर देने से लोग पैसा लेकर के नहीं भागेंगे, ठीक है, क्योंकि सरकार के उस पर नियंत्रण हो गया था। इससे बहुत लोग खुश थे कि यह जो सरकार है बहुत अच्छा है इंदिरा गांधी का, ठीक है। लोग इन्हें कांग्रेस सिंडिकेट जो था उसे गूंगी गुड़िया कहता था, लेकिन बाद में यह बिल्कुल हीरो हो गई, ठीक है, मैंने हीरोइन। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है, दिल्ली, मुंबई, पटना, बंगलोर। तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ठीक है, मुंबई को कहा जाता है। अब है चौथा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो विश्व बैंक नहीं, ये नहीं है, ठीक है। हालांकि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था, 1944 ईस्वी में, हालांकि यह जो बैठक बुलाई गई थी वेटलैंड्स में, बैठक बुलाई गई थी, और 1945 में स्थापना हो गया था। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का एक ही साथ स्थापना हुआ था 1945 में, प्रभाव में आया था, ठीक है। IMF जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष कहते हैं, ये भी एक मुद्रा से संबंधित ही है, ठीक है। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो जानबे करते हैं, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस ही मनाई जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात UNO का गठन किया गया था, इसी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध रुक भी गया था। और बात किया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संघ का स्थापना हुआ था? तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है। और डी ऑप्शन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था WTO ही है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था, 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था?
तो 1904 ईस्वी में हुआ था सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ। अगर स्वयं सहायता समूह की बात किया जाए कि अब कब से मानी जाती है कि प्रादुर्भाव में आया, तो 1975 से मानी जाती है। लेकिन भारत में सहकारिता जो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। फिर मैकलगन समिति 1914 में आया। इसी तरह से सहकारिता का विकास धीरे धीरे होता चला गया। फिर छठा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने तुरंत बताया था, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ, 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। 17वां क्वेश्चन है, विश्व भर में एक महान आर्थिक मंदी कब आया था? तो विश्व भर में एक महान आर्थिक मंदी आया था 1929 ईस्वी में आया था मित्र, ठीक है। विश्व में भर में एक महान आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में ही आया था। और जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होता चला गया देश का, तो लोग सोचा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितना है, तो इसको जांच करने के लिए सोचने लगा। तो एक यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक व्यक्ति था साइमन, उन्होंने कहा कि जीडीपी के द्वारा पता किया जा सकता है आर्थिक विकास। हालांकि इनकी बातों को लोग नहीं मानते थे। तो बाद में जब IMF वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ 1944 ईस्वी में, तो लोग मानना शुरू कर दिया, क्योंकि सपोर्ट कर दिया साइमन का कि GDP के द्वारा वास्तव में ही पता किया जा सकता, ठीक है। इस तरह की बातें थी। तो अगला प्रश्न है, इसका तो 1929 हो जाएगा, विश्व भर में एक महान आर्थिक मंदी आया था। 8वां क्वेश्चन, हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ऐसी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो वित्तीय संस्था कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। 9वां क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह भूमि विकास बैंक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बोर्ड में प्रश्न आया करते हैं। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सी है? देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 196 है, याद रखिएगा, ठीक है। और केंद्रीय बैंक की संख्या 25 है, ठीक। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें यदि नए चैनल पर आए हैं तो। थैंक यू, धन्यवाद।